हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपके सामने लेके आए हैं 1815 टाटा की न्यू गाड़ी 1815, और इसमें हमें मिलता है वही पुरानी सी ओल्ड वाली हेडलाइट्स और पुराना बम्पर। इसके अलावा हम साइड रिव्यू बताएंगे आपको। ड्राइवर साइड हमें मिलती है डीजल की टंकी और यूरिया टैंक भी इस साइड मिलता है, जो जिसकी कैपेसिटी है 25 लीटर यानी कि 25 लीटर। और इसमें हमें 3.3 लीटर का इंजन मिलता है और 55 नंबर गियर मिलता है इसमें। ये इसमें 6 टायर विद एक स्टपनी आती है, और इसके अलावा बैक लाइट भी वही सिंपल सी मिलती है इसमें। इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक और ब्रेक। इसमें ये स्टॉपर भी आते हैं जो गाड़ी को आगे पीछे होने से रोकते हैं। अगर इनको लगाया जाए तो गाड़ी आगे पीछे नहीं होती है। और इसमें आते हैं ये 2 एयर टैंक विद 12 वोल्टेज की बैटरी, और इसमें बोश का सिस्टम लगा होता है डीजल। और ये इसका कैबिन का लॉक अनलॉक। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, जो कि टाटा की सभी गाड़ियों में है, जो कि है SCR सिस्टम, जो कि साइलेंसर में हम आपको नीचे से बताएंगे। ये SCR सिस्टम, जिसे आप साइलेंसर बोलते हैं, इसी में वो यूरिया काम करता है, जो आपको मैंने टैंक बताया था। इंग्लिश में इसको डेफ बोलते हैं। और ये रही इसकी एक स्टपनी। और इसमें हमें 6 साइड मिरर मिलते हैं, जो कि 3 ड्राइवर साइड और 3 कंडक्टर साइड मिलते हैं। और इसमें ये लीप स्प्रिंग आते हैं। और ये रहा इसका ब्रेक ऑयल का, जिसे हम कुप्पा भी बोलते हैं। ये हमारा 3.3 लीटर का इंजन है। और साइड प्रोफाइल मैं आपको बताऊं, इसमें FE की बैजिंग और डोर हैंडल, देन इसके बाद इंडिकेटर मिलता है। यह है इसका ETV, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये फुल रिव्यू है इसका। टाटा की गाड़ी फिर टाटा की होती है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। Yeah.